ये संस्था हमने पिछले कई सालों से एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, जो 2007 से लेके अब तक काम हो रहे हैं, लाखों हजार एनिमल्स के लिए हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम डेली कम से कम 100 केसेस अटेंड कर रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर स्ट्रेज हैं। हाउएवर हम फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रोंग नहीं हैं, फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रीट एनिमल्स की ट्रीटमेंट और केयर करते दो एनिमल्स लिविंग इन सोसाइटी, वी चार्ज वेरी फ्यू एंड वेरी नॉमिनल रेट। जब लोग जब एनिमल लवर जब सोसाइटी के लोग हमारे पास एनिमल सेंटर में आते हैं एनिमल्स को लेकर, तब हम एक वेरी नॉमिनल रेट देते और फाइनेंशियल हमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। बट ये हमारी एक मेन सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं है। सो इसके लिए काफ़ी सारी एनिमल केसेस ऐसे है जिसके पास हमारे सर्विसेज नहीं पहुंच पा रहे, काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स है जिसके पास हम रेस्क्यू कर नहीं पाते। हम लोग करीब 2007 से एनिमल वेलफेयर कर रहे हैं और एनिमल वेलफेयर में लगे हुए, एनिमल्स की मदद में लगे हुए अब तक हमने लाखों हजार एनिमल्स की केयर दे चुके हैं। यहाँ पे हम डेली कम से कम 100 केसेस अटेंड कर रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर स्ट्रेज हैं। हाउएवर हम फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रोंग नहीं हैं, फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी ऐसा डॉग दिखे जिसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, आप प्लीज़ उसको हमारे पास ले आइए, हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी मेरे केस चार पे एट प्रेजेंट संजय के पास है, उससे पहले भी केसेस मैंने लिए हैं और आज तक संजय ने एक पैसा मेरे से नहीं मांगा कि पहले आपको मुझे एक्सपेंसेस देने हैं। मतलब आपको सोचो, एक लीवर प्रॉब्लम था किसी बच्चे को, उसका उन्होंने 15-20 दिन रखा, आपके मेरे से कुछ पैसे नहीं लिए हैं, टेस्ट करवाया, तो आपको सोचो कि कितने खर्चा होता है। मगर वो ऐसे ही सर्विस देते हैं कि एक रेस्क्यूअर को टेंशन नहीं होती है, मतलब एक रेस्क्यूअर हमें पैसे तो देना चाहिए। आप प्यारी प्यारा प्यारी सी डॉगी देख रहे हो, वो कितना दुख से झिल के आगे निकल के आई है, अब यू कैन इमेजिन, वो मरते हुए रोड से आई है। इसको लोगों ने चाकू मारे, चाकू से काटने की कोशिश करी, गला काटने की कोशिश करी, लेकिन इसका किस्मत था ये बच गया वहाँ से। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हमने HSA ने स्ट्रीट एनिमल्स की फीडिंग स्टार्ट किया है, और जब लोगों ने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे लॉकडाउन में, घर से बाहर स्टेप आउट नहीं कर पा रहे थे, वी स्टार्टेड कम्युनिटी किचन्स फॉर एनिमल्स वेयर वी फीड मोर देन 7,000 to 10,000 एनिमल्स पर डे। एंड देन एट द मंथ एंड, जब मंथ एंड होता है, सो विद द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस दैट वी हैव, वी वुड पे द मेडिसिन। हमने अपने सप्लायर को पेमेंट करना था, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, एम्बुलेंस, फूड एंड अदर ए लॉट, बहुत सारी अदर मिसलानियस एक्सपेंसेस था। वी नीड फाइनेंस, फाइनेंशियल हेल्प, एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा टू हेल्प ऑल लिविंग बींग अराउंड यू। थैंक यू।